खगड़िया जिले में प्रथम चरण के मतदान नगर निकाय क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। खगड़िया जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष एवं पुलिस कप्तान अमितेश कुमार जिले के नगर निकाय क्षेत्र खगड़िया परबत्ता गोगरी में सुरक्षा के व्यापक रूप से पुख्ता इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित पिंक बूथ का निरीक्षण करते मतदान कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। विभिन्न मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान अमितेश कुमार जिलाधिकारी के साथ मौजूद थे। मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग भी कराई जा रही थी। मतदान केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही पुरुष मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। मतदान केंद्रों पर मेडिकल की व्यवस्था भी आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई थी। वहीं जिले के 3 नगर निकाय में शाम 5 बजे तक मतदान प्रवक्ता 7.25%, गोगरी में 57.25%, वहीं खगड़िया में 56.15% हुई। नगर निकाय खगड़िया नगर परिषद, नगर निकाय गोगरी नगर परिषद एवं नगर निकाय नगर पंचायत परबत्ता में आज चुनाव हुए। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे मॉडल मतदान केंद्र भी है और पिंक बूथ भी। यहाँ पे सभी चुनाव कर्मी जो है सभी महिलाएं हैं और एक अच्छा संदेश इस माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं कि चुनाव पूरी तरीके से महिलाएं स्वयं आयोजित कर सकती हैं और संचालित कर सकती हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि मतदान अच्छी संख्या में लोग होगा, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर लोग मतदान करने के लिए प्रेरित भी होंगे। निष्पक्ष रूप से बिना किसी प्रलोभन के बिना किसी दबाव में अपना मतदान करें। फर्स्ट मतदान किए हैं तो कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा रहा, पहली बार था तो अच्छा रहा। ऐसे अब की बार नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, कि कैसे प्रत्याशी को अब की बार उम्मीदवार के रूप में चुने और क्षेत्र का विकास हो? जो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा उसी को ना। ऑब्वियस है, परिषद में कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। किस मुद्दे को लेकर आप सब लोग अब की बार नया प्रत्याशी को चुने? नए प्रत्याशी। अब की बार क्षेत्र में विकास होने की क्या संभावना है? कैसे विकास होगी? हाँ होगा। नए प्रत्याशी को जब चुने? आपका नाम? बिशन्दुपदार। बिहार के खगड़िया से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।